हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे। मैं अदिति तक्यार, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए करते हैं स्टार्ट। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर रिग्रेशन इक्वेशंस विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन कॉफिशंट्स को फाइंड आउट करने के लिए डेविएशन टेकन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन मेथड, जिसको शॉर्टकट मेथड भी बोला जाता है, उसका ओवरव्यू किया था, आज हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे ताकि इस मेथड के ऊपर आपका प्रैक्टिकल होल्ड स्ट्रांग हो सके। चलिए करते हैं स्टार्ट। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने एक इसका बेसिक क्वेश्चन जरूर डिस्कस आउट कर लिया था ताकि आपका फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला अच्छे से आप फॉर्मूला को ग्राप कर सकें, फॉर्मूला को अच्छे से जान सकें, फॉर्मूला को अच्छे से समझ सकें। आज हम और वैरायटी के क्वेश्चंस करेंगे। अब चलिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन आ रहा है दैट इज चेंज ऑफ ऑरिजिन एंड स्केल, और जिसको स्टेप डेविएशन मेथड भी इन्होंने बोला है। आप देखो, जैसा कि एक हमने कॉफिशेंट रिग्रेशन कॉफिशेंट की जब प्रॉपर्टीज भी करी थी, उसके अंदर भी ये पॉइंट करा था कि जो रिग्रेशन कॉफिशेंट्स हैं दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ऑरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल। कि अगर हम ओरिजिन में चेंज करते हैं, जैसे अगर मैं एज्यूम्ड मीन लेती हूँ डेविएशन या एक्चुअल मीन से डेविएशन लेती हूँ, तो उसका असर रिग्रेशन कॉफिशियंट्स के ऊपर नहीं पड़ता। तभी इन्होंने बोला कि दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ऑरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल। अगर मैं कुछ भी कॉमन फैक्टर उसमें से लेती हूँ, अगर मैं किसी कॉमन फैक्टर से सबको डिवाइड कर देती हूँ, चाहे एक्स सीरीज है चाहे वाई सीरीज है, मेरे को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि जो रिग्रेशन कॉफिशेंट है दे आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल। तो इस वजह से मेरे को क्या करना पड़ेगा, इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए, लास्ट में लिखा भी हुआ है, देन इन दैट केस वी हैव टू मल्टीप्लाई द रिग्रेशन फॉर्मूला विद द कॉमन फैक्टर। और नेक्स्ट इलास्ट्रेशन हमारी इसी चीज़ के ऊपर क्या है, बेस्ड है। अब इलास्ट्रेशन में देखिए क्या बोला हुआ है, ऑब्टेन द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन ऑन इनकम यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। अब इन्होंने इनकम और कंजम्पशन दी हुई है, लेकिन उन्होंने ऐसा, अब देखिए स्टार्टिंग में क्या बोला कि हमने रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट करनी है ऑफ कंजम्पशन ऑन इनकम। अब रिग्रेशन इक्वेशन हमने कंप्यूट करनी है इक्वेशन ऑन इनकम, मतलब इनकम हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और कंजम्पशन हमारा कौन सा है, यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ऑब्टेन द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन ऑन इनकम। इनकम के बेसिस पर किसकी निकालनी है, कंजम्पशन की रिग्रेशन इक्वेशन निकालनी है। तो इनकम कौन सा हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और कंजम्पशन कौन सा हो गया, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। ये कौन सा हो जाएगा, हमारा कंजम्पशन डिपेंडेंट, और इनकम कौन सा हो जाएगा, हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखिए, इनकम को हम एक्स ले लेते हैं और अपना कंजम्पशन क्या है, वाई। तो इट मीन्स हमें वाई ऑन एक्स क्या करना है, कंप्यूट करना है। तो देखिए किस तरह से किया हुआ है, हम शॉर्टकट मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसमें से इन्होंने किसको एज्यूम्ड मीन ले लिया है, ए एक्स क्या है हमारा 500, और इधर से ए वाई कितना है हमारा 290। फिर हम क्या निकाल लेंगे, डी एक्स निकाल लेंगे। अब इन्होंने देखिए डी एक्स किस तरह से निकाला हुआ है, डी एक्स इन्होंने निकाला हुआ है, डी एक्स देखिए एक्स माइनस 400 डिवाइडेड बाय 100। देखो सब में कौन सा कॉमन फैक्टर है, 100 है, इसीलिए इन्होंने डी एक्स को किससे डिवाइड किया हुआ है, 100 से। और अगर बात की जाए डी वाई की, डी वाई में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो हम किससे डी वाई को डिवाइड कर देंगे, 5 से। अब हम क्या कर रहे हैं, इनके अंदर से कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं, बट कॉमन फैक्टर जब हमने निकाला तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ऑरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल। तो अगर मैं स्केल में चेंज करूंगी तो मेरे को उसका इफेक्ट क्या करना पड़ेगा, उसका इफेक्ट मेरे को बाइफरकेट करना पड़ेगा। अब देखो, हमने डी एक्स भी निकाल लिया, फिर डी एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे, वाई डी वाई, वाई दिया हुआ है, डी वाई निकालेंगे, डी वाई स्क्वायर निकालेंगे, डी एक्स डी वाई, जैसा कि प्रीवियस इलस्ट्रेशन में हम कर चुके हैं। अब इसके बाद,
अब इसके बाद हम क्या करेंगे, बी वाई एक्स निकालेंगे। बी वाई एक्स तो वही फॉर्मूला है, एन सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स सिग्मा डी वाई अपॉन एक्स के बेसिस पर निकाल लिया है, तो एक्स की टर्म सारी की सारी डिनोमिनेटर में आ जाएंगी। अब कॉमन फैक्टर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो जब लास्ट एक्सरसाइज में भी इस तरह का क्वेश्चन आया था, तो मैंने आपको बताया था कि हम जौन सी इक्वेशन निकाल रहे हैं, हम इक्वेशन कौन सी निकाल रहे हैं, वाई ऑन एक्स। तो कॉमन फैक्टर भी वाई का ऊपर आएगा और कॉमन फैक्टर एक्स का किधर आएगा, नीचे आएगा। वाई का कॉमन फैक्टर क्या था, 5 था, और एक्स का कॉमन फैक्टर क्या था, 100 था। और ऐसे करके हमारे पास आ गया बी वाई एक्स। उसके बाद वो ही रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स, हमने स्टार्टिंग में वाई बार भी कर लिया है कंप्यूट, एक्स बार भी कर लिया है, इसमें पुट करके हम वाई ऑन एक्स अपनी निकाल लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ध्यान से सुनिए। इन्होंने क्या बोला है इस क्वेश्चन के अंदर, अ पैनल ऑफ जजेस ए एंड बी ग्रेडेड 7 डिबेटर्स एंड इंडिपेंडेंटली अवॉर्डेड द फॉलोइंग मार्क्स। हमारे पास पैनल ऑफ जजेस हैं, कितने जजेस हैं, 2 जजेस हैं, उनका नाम है, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। इन्होंने 7 डिबेटर्स थे, 7 डिबेटर्स थे, इनको क्या दिया, मार्क्स दिया। जैसे ए ने फर्स्ट वाले डिबेटर को 40 दिए, बी ने 32 दिए, इसी तरह से 7ों डिबेटर्स को इन्होंने इंडिविजुअली मार्क्स दिए। अब ये आगे हमसे क्या पूछ रहा है, एन 8th डिबेटर वॉज अवॉर्डेड 36 मार्क्स बाय जजे। अब हमारे को इन्होंने 7 का दिया हुआ है, अब ध्यान से देखिए, 8th डिबेटर, 8वां डिबेटर आया होगा, डाटा में इन्होंने हमें नहीं दिया हुआ। इन्होंने कहा है कि जज ए ने तो उसको 36 मार्क्स दिए हैं, 8th वाले को जज ए ने 36 मार्क्स दिए हैं, और जज बी वॉज नॉट प्रेजेंट, वो उस समय प्रेजेंट नहीं था जब वो अपनी स्पीच देने आया। उसके बाद इफ द जज बी वॉज ऑल्सो प्रेजेंट, अगर जज बी भी प्रेजेंट होता तो आप ये बताइए कि वो कितने मार्क्स देता। ठीक है, हाउ मैनी मार्क्स वुड यू एक्सपेक्ट हिम टू अवॉर्ड टू 8th डिबेटर, कि जज बी भी 8th डिबेटर को कितने मार्क्स देता है, एज्यूमिंग अ डिग्री ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट इन जजमेंट। कि उन्होंने ये बोल दिया कि आप ये बताओ, ए के मार्क्स गिवन है, ए जज के मार्क्स गिवन है, आपने ये बताना है कि बी कितने देगा। ठीक है, तो इस केस में और ये भी बोला है कि जजमेंट के बीच में क्या है, रिलेशनशिप है। ऑब्वियस सी बात है, अगर रिलेशनशिप होगा तभी हम क्या कर पाएंगे, एक के बेसिस पर दूसरे के नंबर निकाल पाएंगे। तो लास्ट में इन्होंने ये चीज़ क्या कर दी है, मेंशन कर दी है कि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जजमेंट के बीच में रिलेशनशिप क्या है, इस्टैब्लिश्ड है। अब अगर देखा जाए क्वेश्चन के अंदर कुछ भी हमें नहीं पता, सब कुछ डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर नहीं गिवन, हमें इनडायरेक्टली पता करना है कि हमें एक्चुअल में क्या फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं देखो जज ए के मार्क्स को मैं एक्स दे देती हूँ और जज बी के मार्क्स को वाई दे देती हूँ, उन्होंने क्या बोला है कि ए के नंबर तो गिवन है, ए जज के मार्क्स 8th वाले डिबेटर के गिवन है, बट वाई के गिवन नहीं है, वो आपको क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। तो इट मीन्स वाई के फाइंड आउट करने हैं, लेकिन किसके बेसिस पर, एक्स के बेसिस पर। इसका मतलब हमें कौन सी इक्वेशन फाइंड आउट करनी होगी, इनडायरेक्टली गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर, वाई ऑन एक्स इक्वेशन क्या करनी पड़ेगी, हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। क्योंकि वाई ऑन एक्स अगर मैं फाइंड आउट कर लूंगी तो मैं एक्स की कोई भी वैल्यूज को पुट करके उसके काउंटर पार्ट पे वाई की क्या वैल्यूज होंगी वो क्या कर सकती हूँ, फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, वाई ऑन एक्स इक्वेशन क्या करनी पड़ेगी, फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और वो सेम इक्वेशन, बस मतलब इस क्वेश्चन में सिंपली हमें डायरेक्टली नहीं गिवन था, इनडायरेक्ट वे में गिवन था, तो हमें वहां से पता लगा लिया। बाकी तो सेम वैसे ही करना है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन करते आ रहे हैं, वही एक्स में से इन्होंने 30 को एज्यूम्ड मीन ले लिया है, डी एक्स निकाला, डी एक्स स्क्वायर निकाला, वाई में से 30 को एज्यूम्ड मीन ले लिया है, डी वाई निकाला, डी वाई स्क्वायर निकाला, और डी एक्स डी वाई निकाला। उसके बाद इन्होंने बी वाई एक्स निकाला है और वाई ऑन एक्स इक्वेशन क्या की है, फॉर्म की है। अब लास्ट में देखिए, हमने क्या निकालना था, हमें किसके मार्क्स गिवन थे, हमें जज ए के गिवन थे 36, हमने वाई के निकाले, तो वाई ऑन एक्स इक्वेशन पुट की। तो यहाँ पर जो एक्स है, एक्स की प्लेस पर मैं क्या कर दूंगी, 36 पुट कर दूंगी। जब मैंने एक्स की प्लेस पे 36 पुट किए यहाँ पर, तो मेरे पास वाई जो जज था उसके क्या आ गए,
नंबर आ गए कि उसने एट्थ डिबेटर को कितने मार्क्स दिए होंगे, 33 दिए होंगे, क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन में आ रहा था। तो नंबर इन्होंने क्या कर लिया, राउंड ऑफ कर लिया है कि जो भी नियर बाय एक होल नंबर था वो इन्होंने ले लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखिए कि क्वेश्चन सारे सिमिलर हैं, बट डायरेक्टली अभी कुछ नहीं, अगले दो क्वेश्चंस में भी गिवन होगा, हमें इनडायरेक्ट वे में ही क्या करना है, सारे के सारा पता करना है। देखिए इस क्वेश्चन में भी क्या कह रहे हैं, गिवन एन इज इक्वल टू 10, एन हमें 10 गिवन है, और देखिए एक्स कितना गिवन है, 200 गिवन है, वाई कितना है, 225 सिग्मा वाई, सॉरी एन 10 है, सिग्मा एक्स है 200, सिग्मा वाई है 225, सिग्मा ब्रैकेट स्टार्ट एक्स माइनस 10 का होल स्क्वायर 1100, सिग्मा ब्रैकेट स्टार्ट वाई माइनस 15 का होल स्क्वायर 1200, एंड सिग्मा एक्स माइनस 10 एंड वाई माइनस 15, इसका कितना आ रहा है 850। हमें फाइंड आउट क्या करना है, कोरिलेशन कॉफिशेंट। एक तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, आर। दूसरी रिक्वायरमेंट वो क्या कह रहा है कि बोथ द रिग्रेशन इक्वेशंस, दैट मीन्स वाई और एक्स भी क्या करना है, फाइंड आउट करना है, और एक्स और वाई भी क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तीसरी चीज क्या पूछी है क्वेश्चन में, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू 20, दैट मीन्स जब मैं वाई और एक्स क्या कर लूंगी, फाइंड आउट कर लूंगी, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू 20 डाल के मेरे को वाई की उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग या उसके काउंटर पार्ट पे क्या वैल्यू वाई की होगी, अगर एक्स 20 है तो वो भी फाइंड आउट करना है। तो इसके अंदर हमारे 4 स्टेप्स हो गए, आर फाइंड आउट करेंगे, फिर रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स एज वेल एज ऑन एक्स ऑन वाई, और फिर ये वाई ऑन एक्स में अगर एक्स 20 है तो वाई की क्या वैल्यू है ये कंप्यूट करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन सिंपली ऐसे ही आएगा पेपर में, ठीक है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कौन सा मेथड आप फॉलो करेंगे? सबसे पहले तो आप चेक करोगे यहाँ पर एक चीज, जैसे ये डेविएशंस दी हुई हैं, कौन सी डेविएशन, ये वाली और ये वाली, इसमें पता करेंगे कि ये 10 एज्यूम्ड मीन है कि एक्चुअल मीन, ये 15 एज्यूम्ड मीन है कि एक्चुअल मीन। इसके लिए सबसे पहली चीज आप मीन निकाल लीजिए। आप मीन कैसे निकालेंगे, एक्स बार कैसे आता है, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन, सिग्मा एक्स गिवन था 200 डिवाइडेड बाय 10 20, इसका मतलब जो ये एक्स की डेविएशन ली हुई है ये एक्चुअल मीन से नहीं ली हुई, ये किससे ली होगी, एज्यूम्ड मीन से, क्योंकि एक्चुअल मीन तो 20 आ रहा है बट यहाँ पर एक्स माइनस 10 है। ऑन दी सेम वे वाई माइनस 15 है, 15, तो मैं इसका एक्चुअल मीन निकाल के देखती हूँ, सिग्मा वाई कितना है, 225, एन कितना है 10, दैट विल बी इक्वल टू 22.5, दिस मीन्स दैट दिस 15 इज ऑल्सो इज नॉट अ एक्चुअल मीन, इट मीन्स डेविएशन टेकन फ्रॉम वाई इज फ्रॉम एज्यूम्ड मीन, कि जो वाई की डेविएशन ली गई है ये किससे ली गई है, एज्यूम्ड मीन से ली गई है। क्लियर हो गया? अब एज्यूम मीन से डेविएशन है, इसका मतलब आप कौन सा लगाओगे यहाँ पर मेथड, शॉर्टकट मेथड, दैट मीन्स डेविएशन टेकन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। तो यही चीज इन्होंने यहाँ पर बोली हुई है कि गिवन द डेविएशन फॉर एक्स सीरीज हैज बीन टेकन फ्रॉम 10 विच इज नॉट इक्वल टू एक्स बार। अब यहाँ से ये हमें क्लेरिफाई हो गया कि एज्यूम्ड मीन कितना है, 10 और 15 है। अब जब मेरे को फॉर्मूला में रिकॉल करती हूँ, क्योंकि मेरे को फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली ही सारी की सारी चीज़ें चाहिए, जब मैंने फॉर्मूला रिकॉल किया मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास है फॉर्मूला क्या होता था, बी वाई एक्स या बी एक्स वाई को निकालने का, एन सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन, अगर मैं वाई और एक्स कर रही है तो एन सिग्मा डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर। तो कहीं पर भी, और इसी तरह से अगर मैं एक्स ऑन वाई होता तो फिर मेरे को ये चीज़ें चाहिए होती। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको दिख रही है कि हमारे पास दो चीज़ें मिसिंग है, हमारे पास ना तो डी एक्स है ना तो डी वाई है। ये देखिए ये क्या है, अगर डी एक्स का होल स्क्वायर है और ये डी वाई का, ये डी एक्स का होल स्क्वायर, ये डी वाई का होल स्क्वायर, ये डी एक्स डी वाई, ये डी एक्स डी वाई, ठीक है, और मतलब कि सिग्मा डी एक्स डी वाई गिवन है 850। तो मेरे को ये दोनों चीज़ें फाइंड
फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। अब ये चीज़ें मैं कैसे फाइंड आउट करूँगी, ये देखिए हम इसके लिए एज्यूम्ड मीन का जो एक्चुअल में फार्मूला है वहाँ से फाइंड आउट करेंगे। वो एक्स बार क्या फार्मूला होता है, अगर मेरे को एक्स सीरीज का निकालना है तो होगा एक्स बार इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। मेरे पास एक्स बार भी है क्वेश्चन में, मेरे पास एज्यूम्ड मीन भी है, मेरे पास एन भी है, मेरे पास ये चीज़ नहीं है। तो इस फॉर्मूला से मैं फाइंड आउट कर लूंगी मेरे पास सिग्मा डी एक्स कितना आ गया, 100 आ गया। क्लियर? इसी तरह से मैं क्या कर लूंगी, यहां पर भी फाइंड आउट डी वाई फाइंड आउट कर लूंगी, सिग्मा डी वाई क्या कर लूंगी, फाइंड आउट कर लूंगी। सिग्मा डी वाई फाइंड आउट कर लिया, डी एक्स भी हो गया। अब डी एक्स स्क्वायर गिवन है क्वेश्चन में, डी वाई स्क्वायर क्वेश्चन में गिवन है, डी एक्स डी वाई भी क्वेश्चन में गिवन है। सबसे पहले इन्होंने क्वेश्चन के अंदर क्या किया है, आर फाइंड आउट किया है। आर भी इन्होंने वो शॉर्टकट मेथड यूज किया है कोरिलेशन कॉफिशेंट में, जो कार्ल पियर्सन का मेथड था। आप ऐसे भी कर सकते हैं आर को फाइंड आउट, आप आगे अगर कोरिलेशन के सॉरी रिग्रेशन के कॉफिशेंट फाइंड आउट करते हैं बी एक्स वाई या बी वाई एक्स दोनों का ज्योमेट्रिक मीन लेकर भी क्या कर सकते हैं, आर फाइंड आउट कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। अब इन्होंने कार्ल पियर्सन का शॉर्टकट मेथड इस्तेमाल करके क्या की है, वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं, ठीक है, क्योंकि सारी की सारी उसकी जितनी भी चीज़ें रिक्वायर्ड थी उस फार्मूला में कार्ल पियर्सन के, वो सारी की सारी इसके अंदर गिवन है। तो इन्होंने आर की वैल्यू इस फार्मूला में पुट करके फाइंड आउट की हैं। अब हम क्या करेंगे, रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स फाइंड आउट करेंगे। वाई ऑन एक्स कैसे फाइंड आउट होएगी, y माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। पहले तो मेरे को बी वाई एक्स निकालना पड़ेगा, शॉर्टकट मेथड इस्तेमाल किया है, वैल्यूज पुट की हैं, तो बी वाई एक्स कितना आ गया है, 1 आ गया है। और इन्होंने फिर क्या किया है, इस इक्वेशन के अंदर सारी की सारी वैल्यूज को पुट किया है, तो हमारी y ऑन x आ गई है, ठीक है। अब रिग्रेशन इक्वेशन कौन सी फाइंड आउट की है, x ऑन y फाइंड आउट की है। इसके लिए बी एक्स वाई निकाला है शॉर्टकट मेथड से, वो हम निकाल लेंगे क्योंकि सारी चीज़ें हमें फाइंड आउट हमने कर ली थी। फिर वो ही इसके अंदर सारी की सारी वैल्यूज पुट करी, जब सारी की सारी वैल्यूज पुट करी तो हमारे पास वाई ऑन एक्स आ गया। लेकिन अब देखिए उन्होंने हमें बोला था कि अगर एक्स कितना है, 20 गिवन है, तो आपने ये बताना है कि वाई कितना है। तो y ऑन x में इन्होंने क्या किया है, x की वैल्यू 20 पुट करके y की वैल्यू फाइंड आउट किया, y की वैल्यू आ रही है हमारे पास 22.5। तो सिंपली इस क्वेश्चन वॉज रियली वेरी इजी, ओनली द थिंग इज दैट कि हमें इसके अंदर क्या फाइंड आउट करना था, dx dy, इंडिविजुअल dx और इंडिविजुअल dy। जब ये दोनों चीज़ें हमने फाइंड आउट कर ली, हमारा क्वेश्चन बहुत इजी बन गया क्योंकि हमारे पास बाकी सारी चीज़ें गिवन थी। हमने आर कार्ल पियर्सन के मेथड से निकाल लिया, वाई ऑन एक्स और एक्स ऑन वाई कैसे निकाल लिया हमने, शॉर्टकट मेथड रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का, उसके बाद हमें वैल्यू दी हुई थी एक्स की, उसके बेसिस पर मैंने वाई की वैल्यू क्या कर ली, फाइंड आउट कर ली। और जो डी एक्स डी वाई कैसे निकाले थे, हमारा जो मीन निकालने का शॉर्टकट मेथड था, एज्यूम्ड मीन मेथड था, उस मेथड की हेल्प से मैंने क्या कर लिया, मीन निकाल लिया। क्लियर? अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें क्या बताया हुआ है, फ्रॉम अ बायवेरिएट डाटा यू आर गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। हमें फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दी हुई है, क्या क्या इंफॉर्मेशन है, सिग्मा एक्स माइनस 58, दैट मीन्स एक्स की किसी से डेविएशन ली है। हमें नहीं पता कि जो ये डेविएशन है ये एज्यूम्ड मीन है कि एक्चुअल मीन है, ठीक है, तो 46। सिग्मा एक्स माइनस 58 का होल स्क्वायर 30, दैट मींस ये चलिए अभी हमें नहीं पता क्या है। फिर वाई की डेविएशंस ली हुई हैं और उसका स्क्वायर किया हुआ है। फिर एक्स और वाई की डेविएशन दोनों मल्टीप्लीकेशन ली है, एन लिया हुआ है। इसमें और पिछले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, उसके अंदर हमें ना सिग्मा एक्स गिवन था और सिग्मा वाई भी गिवन था, तो मैंने दोनों को इजीली एन से डिवाइड करके इनका एक्चुअल मीन क्या कर लिया था, फाइंड कर लिया था। लेकिन यहाँ पर एक्चुअल मीन फाइंड आउट कर लिया था और वहाँ से क्लेरिफाई कर लिया था कि ये डी एक्स है कि डी वाई है, लेकिन इस चीज़ में ऐसा नहीं है, हमारे पास वो दोनों इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स मिसिंग है। लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर भी इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली कर सकते हैं। याद कीजिए मीन की एक प्रॉपर्टी होती थी कि डेविएशंस टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन इज ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो।
अगर मैं एक्चुअल मीन से डेविएशंस लेती हूँ, दैट मीन्स कि x माइनस x बार और उसका समेशन किया जाता है, ये हमेशा जीरो के इक्वल आता है। उसी तरह से डेविएशंस y की अगर डेविएशन एक्चुअल मीन से लेती हूँ तो ये भी जीरो के इक्वल आती हैं। ठीक है, ये वाली आपको अगर प्रॉपर्टी याद है तो आपके लिए फर्स्ट लाइन पढ़ते ही क्वेश्चन क्लेरिफाई था। लेकिन यहाँ पर देखिए, जो डेविएशन x की ली थी और y की ली थी 58 58 से, ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है, ये 46 के इक्वल है, ये 9 के इक्वल है। इट मीन्स जो 58 है वो एक्चुअल मीन नहीं है। अगर एक्चुअल मीन होता तो ज़ीरो के इक्वल आता ये, लेकिन एक्चुअल मीन नहीं है। दिस मीन्स कि 58 हमारा क्या होगा, एज्यूम्ड मीन होगा। x का भी एज्यूम्ड मीन 58 है और y का भी एज्यूम्ड मीन कितना है, 58 है। तो ये हमारा dx हो गया, ये dx square हो गया, ये कौन सा हो गया हमारे पास, dy square हो गया। dy है ये, सिग्मा dy है ये, दोबारा से बता रही हूँ, ये है dx, ये dx square, ये dy, ये dy square, और ये क्या है हमारे पास, सिग्मा dx dy। क्लियर, ऑब्टेन द टू रिग्रेशन इक्वेशंस एंड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब सारी चीज़ें गिवन हैं, आपने सिंपली क्या करनी है, इनकी फॉर्मूलाज में वैल्यू पुट करनी है और इक्वेशंस क्या कर लेनी है, फाइंड आउट कर लेनी है। और इन्होंने ये भी बोला है कि हमें क्या करना है, रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या करना है, फाइंड आउट करना है कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो आपने सिंपली दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का जो मैट्रिक मीन ले लेना है, तो आपका रिग्रेशन कोफिशिएंट भी फाइंड आउट हो जाएगा। विद दिस योर ऑल टाइप्स ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कम्स अंडर शॉर्टकट मेथड, वो सारे के सारे कंप्लीट हो जाते हैं। और इसी के साथ हमारा शॉर्टकट मेथड क्या होता है, कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका एक और इम्पॉर्टेंट मेथड क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका एक और नया मेथड स्टार्ट करेंगे, जो कि है कि रिग्रेशन इक्वेशन किस तरह से कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की हेल्प से, स्टैंडर्ड डेविएशन की हेल्प से, अरिथमेटिक मीन ऑफ एक्स एंड वाई की हेल्प से किस तरह से फाइंड आउट की जाती हैं। अगर आज की वीडियो में और पहली जितनी भी अपलोड की गई वीडियो में किसी भी तरह का डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी सारी की सारी क्वेरीज को हैंडल करूंगी। टिल देन, हैप्पी लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग।